सब भक्त लोग भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, तो इसका भी यही तरीका है। आप क्या करें कि पहले तो पूरे भगवत गीता का जो अनुवाद अनुवाद है उसको एक बार पढ़ डालें। उसके मुश्किल से आपको एक दिन या दो दिन लगेंगे या तीन दिन लगेंगे, है ना। एक दिन पहले 6 अध्याय पढ़ लें, दूसरे दिन तीसरे, दूसरे 6 अध्याय पढ़ लें और फिर ज्ञान योग के 6 अध्याय पढ़ लें। तो 3 दिन में पूरी भगवत गीता का अनुवाद आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद फिर 1 अध्याय का पूरा अनुवाद फिर से पढ़ें, फिर एक एक श्लोक पे चर्चा करें, उसमें भी सेक्शन डिवाइड करें, है ना। आप देखेंगे आजकल तो भक्तों ने बहुत सारे, आप देखेंगे तो बहुत सारे हैंडआउट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, बड़े अच्छे कार्य किया है भगवद गीता के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस अध्याय में क्या क्या सेक्शन है। कि जैसे पहला अध्याय है तो हाँ, अर्जुन विषाद योग है, पहले सैन्य निरीक्षण है, फिर अर्जुन किस तरीके से विषाद से युक्त होता है। दूसरे अध्याय में कैसे भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं और किस प्रकार से अन्य अन्य ज्ञान देते हैं। तो आपको चूंकि मस्तिष्क में रूपरेखा तैयार हो जाएगी तो आपको पढ़ने में एक बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कहाँ क्या आने वाला है, अब उस विषय में भगवान क्या बोल रहे हैं। आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न अवश्य रहना चाहिए कि ये प्रश्न अर्जुन ने क्यों पूछा है और भगवान ने ऐसा ही उत्तर क्यों दिया, दूसरा उत्तर क्यों नहीं दिया, कुछ और भी उत्तर हो सकता था। तो ये हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम समझेंगे तो विधिवत पढ़ने से और विधिवत समझने से निश्चित ही हमें क्या होगा, वो ज्ञान एकदम हृदयंगम हो जाएगा। फिर क्योंकि अभी हमें ज्ञान हो गया है, समझ में आ गया है, फिर इसका तीसरा जो अनुभव आता है, जैसा होता है ना ज्ञान फिर विज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है कि जो लिखा है वह क्या है, विज्ञान का मतलब होता है उसका व्यक्तिगत रूप से हम कैसे अनुशीलन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि हमारे जीवन में भाई ये मनमंत्रों का क्या उपयोग है,